नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आप सबको पता है कि नवाब मलिक और समीर वांगखंडे के फादर के बीच में मतभेद चल रहे हैं पब्लिक डोमेन्स पे। साथ साथ में नवाब मलिक और अब देवेंद्र फडणवीस के बीच में भी मतभेद हो रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। नवाब मलिक्स हाइड्रोजन बम, फडणवीस हैज लिंक्स विद दाऊद एड, शील्डेड फेक नोट रैकेट, ऐसा एक आर्टिकल छापा गया है बाय oneindia.com। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ऑन वेडनेसडे, ये आर्टिकल है नवंबर 10th का, अक्यूज्ड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ऑफ प्रोटेक्टिंग फेक करेंसी रैकेट्स इन द स्टेट एंड एलेज्ड दैट बीजेपी लीडर हैड लिंक्स विद गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम एड रियाज भट्टी, ऐसा आर्टिकल में कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। मलिक ने कहा है दैट आई एम फाइटिंग अगेंस्ट अ मैन हु इज फ्रेमिंग इनोसेंट पीपल इन फेक केसेस। देवेंद्र फडणवीस इज नॉट ओनली डाइवर्टिंग माय इशू बट आल्सो ट्राइंग टू डिफेंड वन ऑफिसर समीर वांगखेड़े। नागपुर्स नोटोरियस क्रिमिनल मुन्ना यादव वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड बाय देवेंद्र फडणवीस ड्यूरिंग हिज गवर्नमेंट। One Haider Azam, involved in illegal immigration of Bangladeshis, was appointed chairman of Maulana Azad Finance Corporation. One Riyaz Bhatti, close aide of Dawood Ibrahim, was arrested at Mumbai airport with fake passport. He was allowed bail in 2 days only. Why was Riyaz Bhatti in close contact with you? Aisa Nawab Malik pooch rahe hai Devendra फडणवीस को। भट्टी हैज बीन सीन विद मेनी बिग लीडर्स इन पिक्चर्स। मगर यहां पर नवाब मलिक जी, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहती हूं कि एक पब्लिक फिगर बहुत सारे लोगों के साथ फोटोग्राफ खिंचाता है, उसकी सरकार में बहुत सारे लेयर्स ऑफ लोग होते हैं और उन लेयर्स ऑफ लोगों में से किसने वो अपॉइंटमेंट करी आपको नहीं पता। आप ऑब्वियसली उस अपॉइंटमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं विद देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे जब वो अपॉइंटमेंट हुई। देवेंद्र फडणवीस को उस अपॉइंटमेंट के बारे में पता हो सकता है या नहीं पता हो सकता है। जैसे मोदी जी को जहां जहां बीजेपी की सरकार है उस जगह करप्शन हो रही है उसके बारे में पता हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट द पर्सन एट टॉप डज नॉट हैव इयर्स एवरीवेयर। उसकी सरकार के अंदर कौन से लेवल, कौन से चेन पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसे शायद नहीं पता हो सकता जब तक वो बात पब्लिकली बाहर नहीं आ सकती। अब नवाब मलिक का यह भी कहना है इन अटैकिंग देवेंद्र फडणवीस दैट डीमोनेटाइजेशन वाज डन इन 2016, काउंटरफीट नोट्स वर बीइंग कॉट अक्रॉस द कंट्री बट टिल 8th अक्टूबर 2017 नॉट अ सिंगल केस ऑफ काउंटरफीट नोट वॉज रिपोर्टेड इन महाराष्ट्र एज द गेम ऑफ काउंटरफीट नोट्स वॉज गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र अंडर देवेंद्र फडणवीस। तो यहां पर काउंटरफीट नोट का एलिगेशन भी लगाया है नवाब मलिक ने अगेंस्ट देवेंद्र फडणवीस। On October 8, 2017, DRI conducted raids at BKC, Bandra Kurla complex, in which counterfeit notes with a face value of 14.56 crores were seized. Devendra Fundavis has helped in this matter. ऐसा नवाब मलिक का कहना है। सामने देवेंद्र फडणवीस ने अलेज किया है दैट अ कंपनी ऑफ नवाब मलिक एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैड परचेज लैंड इन सबर्बन कुरला एट अ वेरी चीप रेट through fictitious documents from two convicts of 1993 Mumbai serial blast case. He also alleged that Malik and his family members had entered into land deals with people associated with the underworld. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इन दोनों पब्लिक लोगों के एक दूसरे पर हो रहे अटैक से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर पब्लिक डोमेन में आ रही है और ये सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। सीबीआई, ईडी, आप सबको इन इन्फॉर्मेशन के ऊपर छानबीन करनी चाहिए, बिकॉज भारत के अंदर से हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना करे, चाहे वो कोई भी सरकारी ऑफिसर क्यों ना करे। नमस्ते, जय हिंद।